नमस्ते शार्क्स, मैं रानोदीप। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ विजय कुमार। नमस्ते। और हम रेयर प्लैनेट के को फाउंडर्स हैं। शार्क्स, क्या आप बता सकते हैं इन दोनों कुल्लड़ में क्या डिफरेंस है? ये दोनों कुल्लड़ सेम कारीगर के हाथ में ही बने हुए हैं, बट ये हम 10 रुपए का बेचते हैं और ये 450 का। ये साधारण प्रोसेस में बनाया हुआ कुल्लड़ है और इसको कारीगर ने स्पेशली बनाया है। अपने देश में हर 100 किलोमीटर में भाषा चेंज होता है, कपड़े चेंज होते हैं, आर्ट एंड कल्चर चेंज होता है, बट ये जो आर्ट एंड कल्चर हर 100 किलोमीटर में चेंज होते हैं, ये करेक्ट जगह पे करेक्ट प्राइस पे कस्टमर तक नहीं पहुंच पाता है। तो रेयर प्लैनेट ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म देता है इन कारीगरों को अपना हुनर दिखाने का। आज हम लोग 4 एयरपोर्ट लोकेशंस और अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने सारे सामान बेचते हैं, जिसमें टेराकोटा, सेरामिक, कॉपर, स्टूडियो पॉटरी है। आज हमारे साथ करीबन 10,000 कारीगर जुड़े हुए हैं। शार्क्स, हम लोगों का ये विजन है कि रेयर प्लैनेट के थ्रू हम देश के सारे कारीगरों को टच करना चाहते हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और उनके साथ हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। आज हम लोग हमारे कंपनी के 1% शेयर के अगेंस्ट 65 लाख का इन्वेस्टमेंट लेने आए हैं। आपके प्रोडक्ट्स दिखाइए। हाँ जी, दिस इज माइक्रोवेव सेफ, डिश वॉशर प्रूफ एंड यू कैन वॉश इट एनी नंबर ऑफ टाइम्स, द पेंट वोंट गो ऑफ। वाओ, ग्रेट प्रोडक्ट्स, क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक आध प्रोडक्ट का प्राइस बताएंगे मैम? जैसे अपना कॉपर बॉटल है, तो कॉपर बॉटल कम्स एट 1799। वाओ। तो राहुल दीप जी और विजय कुमार जी, नमस्कार। वैसे कोइंसिडेंस बोलिए, क्योंकि 2 दिन पहले जब मैं गोवा एयरपोर्ट थी, इतने सारे वहाँ स्टोर्स थे, बट मैं आपके स्टोर के अंदर गई और वहीं मैं काफी देर तक, मतलब निकलना मुश्किल हो गया। तो जस्ट कॉल इट डेस्टिनी। कितने साल से आप काम कर रहे हैं? मैम, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं 2015 में जब इंजीनियरिंग कर रहा था, एक्चुअली घर पे बहुत पैसे की कमी थी, तो जो बेसिक मिट्टी का कुल्लड़ है उस पे पेंट करके मेलों पे बेचता था। तो उसी से आई यूज टू गेट मनी टू फंड माई इंजीनियरिंग। वाओ। इंजीनियर तो मैं बाद में बना, पहले तो मैं बंगाली हूँ और मेरे भी मम्मी पापा ने बचपन से पेंटिंग करवाया है। एक ही गांव में गया था और जब उन कारीगरों को देखा, तब वो यूरेका मोमेंट था, जब मैंने लगा कि यार इनके साथ परिवार बन के काम करना है। फर्स्ट 7-8 महीने तो बहुत मुश्किल थे, माल बिक नहीं रहा था। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि क्यों ना हम रिटेल में बेचना शुरू करें। तब एक बुक स्टोर है कैलकाटा में, पार्क स्ट्रीट में, उसमें एक छोटी सी जगह मिली और फर्स्ट मंथ में हमने 1.5 लाख का सामान बेचा था। मैंने धीरे धीरे सारे बुक स्टोर्स को कवर किया। फिर रियलाइज हुआ कि अपना जो सामान है वो बुक स्टोर से ज्यादा अच्छा एयरपोर्ट में बिकेगा। तो फिर मैंने निकाला कि एयरपोर्ट में कौन रिटेलर है जो ऐसा सामान बेचता है। जो मेरे को फाउंडर है विजय जी, वो एयरपोर्ट के ही रिटेल में लास्ट 10 साल से थे और वैसे ही मैं उनसे मिला। We really feel proud कि आज अपना मिट्टी भी चाइना के सेरामिक के साथ एक लेवल पे खड़ा होकर कमांड कर सकता है। कारीगरों को बढ़ावा दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सो वेरी गुड पर्पस ड्रिवन ब्रांड। थैंक यू। मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके टोटल SKUs कितने हैं और कितना % सेल्स आपका एयरपोर्ट व्हिच इज ऑफलाइन और ऑनलाइन से आता है, और इसके बारे में आप सोचते कैसे हैं? हमारे पास सब मिला के अराउंड 6000 SKUs हैं। अभी 4 एयरपोर्ट और ऑनलाइन मिला के लास्ट मंथ का रेवेन्यू 1 करोड़ था। अब well done. Thank you so much, sir. अब 1 करोड़ में से 78 lakhs was closely from our retail and बाकी जो पोर्शन था वो डिजिटल से था। आपके पास इसके पहले कोई इन्वेस्टर रह चुका है कि we are the first investors? 2019 we raised our first round of funding. कितना रेस किया आपने? 1.25 CR। At valuation? At a valuation of 6.5 CR. उस टाइम रेवेन्यू क्या था? सर उस टाइम रेवेन्यू महीने का कुछ 4 से 5 लाख के आसपास था। 4 से 5 लाख। फिर हम लोगों ने 2020 में अगस्त में फिर से रेस किया। अरे बाप। उस टाइम वी रेस 2.5 CR। 2.5 CR। जहाँ तक मैं ये काम को समझता हूँ, इसमें 2 डिफरेंट लेवल है। एक तो है बहुत से लोग ये छोटी छोटी बिजनेसेस कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट्स का, और फिर एक तो कंपनियां ऐसी है, वन इज लाइक बॉम्बे स्टोर है, और एक दूसरी एक कंपनी है जो अभी पब्लिक गई है, फैब इंडिया। तो ये काम वो स्केल पे भी किया जा सकता है, राइट? आपके अप्रोच में ऐसा क्या है कि आप वहाँ तक पहुँचेंगे? एक तो ये B2B वाला सेक्शन है, फिर है जो हम लोग अपने खुद के वेबसाइट से जो बेचते हैं, and then we have corporate gifting. Airports we are targeting because when COVID happened, बहुत concessionaires निकल गए airport से। हम इस time पे अगर घुसते हैं और limited लोग fly कर रहे थे, उसमें अगर हम revenue ला सकते हैं and the numbers will constantly grow from here. नहीं, इसमें एक बात है। अभी festive season था, तब जाके 1 करोड़ का sale हुआ because gifting was very big. हाँ सर। इसके बिना आपको लगता है 1 करोड़ maintain होगा? सर उससे ज़्यादा मेंटेन होगा। सर नंबर्स भी एक प्लेटफॉर्म होता है। आज अगर मार्केट पूरा खुल गया, अगर आप फुल कैपेसिटी में जाएंगे, भी हमारा पास तो 4 एयरपोर्ट है। आज अराउंड 10:30 बजे और एक एयरपोर्ट कंफर्म हुआ, टेंडर हम जीत गए। कांग्रेचुलेशन। और हर एयरपोर्ट प्रॉफिटेबल है। 100% डे 1 से बिजनेस गारंटी है। वेरी नाइस। 11 एयरपोर्ट से हमारा बात चल रही है, तो इन द नेक्स्ट 1.5 मंथ वी शुड। आई लाइक टू इंटरप्ट यू क्योंकि मैं आपको एक ऑफर देना चाहूँगा। मैं पैसिव इन्वेस्टर नहीं बनूंगी, मैं आपको बहुत सारे मेरे नेटवर्क्स, टाइम, एक्सपर्टीज दूंगी। तो मेरा ऑफर है 65 लाख बट फॉर 5% इक्विटी, फॉर मी टू फील कि मेरा स्किन इन द गेम है। ये बहुत नेशनलिस्टिक पर्पस है। दो मी एंड माई हस्बैंड हम बहुत ही सक्सेसफुल थे इन द US इन आर जॉब्स, लेकिन हम इंडिया आए बिकॉज ऑफ अ सर्टेन नेशनलिस्टिक फीलिंग, और आप में भी मुझे वो ही दिख रहा है। तो आई थिंक काफी सारा कोइंसिडेंसेस और डेस्टिनी अगर आप बोलना चाहें। ओनली लैक ऑफ कोइंसिडेंसेस 13 करोड़ वर्सेस 65 करोड़। बट लाइक लेट मी टेल यू, आपको दूसरे इन्वेस्टर्स जो मिलेंगे वो पैसिव मिलेंगे। ये क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे, लेट देम जस्ट फिनिश दैट। आप अपना प्लान बता रहे थे, हाउ यू आर गोइंग टू बिकम वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स, तो उसका अप्रोच और प्लान। बट प्लान बताने से पहले प्लीज याद रखिए, आपको किसी ने ऑफर दिया है तो कितना कन्विक्शन है आपके सोच और आपके पैशन में। तो डिसीजन बनाने से पहले वो जरूर आप याद रखिए। उसके बाद आपको जो बोलना है बोलिए। आई एम क्वाइट नाउ। ऑफर आपके लिए नहीं मिला है, ऑफर मिला है आपके आंकड़ों के लिए। कितने मटेरियलिस्टिक नंबर्स ड्रिवन लोग हैं यहाँ, देखो। मेरे जैसे नहीं है, मैं दिल से सोचती हूँ। हम साफ बात करते हैं, उल्टी सीधी बात नहीं। बस मैं उल्टी सीधी बातें कर रही हूँ। प्लान बताइए, क्योंकि मुझे उसमें दिलचस्पी है, आप में दिलचस्पी है। Once this airport game is done, we have slowly started coming into mall stores as well. We have not started. We are yet to start with Sarat City Capital. तो हैदराबाद में लवली मॉल पहला मॉल है जिसमें हम वो 200 स्क्वायर फीट का कॉन्सेप्ट ट्राई करने वाले हैं। आगे चल के कपड़े और फर्नीचर वगैरह भी करोगे? कपड़े इज समथिंग which we hope to do in next 5 years. स्केलेबल अगर बनाना है तो ये कारीगरी के बियॉन्ड जाना पड़ेगा। Yes sir. It has to be that omnipresent brand which will not only sell this. It has to has fragrance. It has to has clothes. It has to has spices, so home and living. Yes. Home and living. 1 करोड़ में प्रॉफिट कितना है? जो लास्ट मंथ किया था सर, लास्ट मंथ में करीबन 12 से 13 लाख का यार नेट बचा है। तो इतना हंसे क्यों आप? हम लोग एक्चुअली और एक सॉरी एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग पीछे दैट शार्क से क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। मैंने बोला था नहीं पूछेंगे, ये बोला था जरूर पूछेंगे। शार्क टैंक पे आए हो, शार्क मच्छी तो खाएगा नहीं? हाँ सर, तो थोड़ा सा मजलेवा मच्छी है। एयरपोर्ट को कितना परसेंटेज दे देते हैं आप रेवेन्यू में? सर डिपेंड करते हैं एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट, बट अगर एवरेज में पकड़े तो 28 से 30%। तो 30 लाख में से 9 लाख रुपए तो एयरपोर्ट के पास ही चला जाएगा। तो आपको नहीं लग रहा कि एक बहुत बड़ा परसेंटेज तो खाली रेंट में ही चला जा रहा है बिजनेस का? सर वो तो है, but that is the cost we have to bear to build a brand before we come into malls. Mall में जो consumer आता है वो शायद गिफ्टिंग के लिए उतना नहीं आता है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए आता है। yes. 1800 का प्राइस पॉइंट ना हाई है, वो एक लग्जरी ब्रांड में फिट होता है। यहाँ आपका जो क्लिक हुआ वो एयरपोर्ट पे इसलिए हुआ बिकॉज एयरपोर्ट पे बहुत यू नो प्रेशर होता है गिफ्टिंग का, तो वहाँ पे लोग दिमाग नहीं लगाते हैं प्राइस का, वो लोग 1800 मुझे घर कुछ लेके जाना है, इसका सेल्फ कंजम्पशन मार्केट। और मुझे लगता है इसका डिजिटल स्केल करना मुश्किल है अंटिल आप ब्रांड एस्टैब्लिश कर लें, तो इस रीजन के लिए मेरे लिए अभी फिट नहीं है, तो फॉर रीजन आई एम आउट, बट वेरी इम्प्रेस्ड बाय व्हाट। थैंक यू मैम। मैं विनीता से थोड़ा सहमत हूँ इस चीज़ पे। आपके ना प्रोडक्ट्स बहुत खूबसूरत है, मतलब ये बॉटल मैं अपने घर पे जरूर रखना चाहूंगी, पर ये बॉटल ना मुझे ये नहीं बताती कि किस ब्रांड का बॉटल है ये। कल को अगर आपका डिजाइन कोई और कॉपी कर लेता है तो ये इतना छोटा सा ब्रांड का नाम लिखा हुआ यहाँ पे, मुझे नहीं पता आप स्टैंड आउट कैसे करेंगे, लोग आपका प्रोडक्ट पहचानेंगे या खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, तो मेरे वो कुछ डाउट्स हैं, उन रीजन से मैं आउट हूँ। आई एम सॉरी। मैं भी अपना डिसीजन बना चुका हूँ। एयरपोर्ट डिपेंडेंसी जो है ना, ये मेरे लिए सबसे बड़ा नेगेटिव है। अभी इसमें थोड़ा सा बिजनेस में प्रूवन आ जाए कि रिटेल में भी चल सकता है और ऑनलाइन में भी ज़्यादा चल सकता है, देन आई विल बी वेरी हैप्पी टू कम इन टू दिस बिजनेस, पर आज मैं बाहर हूँ। Out. आपका 10% मार्जिन आज की तारीख में चल रहा है, लेकिन आपका G&A कॉस्ट कितना है? जो आपकी टीम है, कॉर्पोरेट टीम कितनी बड़ी है? सिर्फ आप तो नहीं सर, अराउंड 13 लोग हैं जो कॉर्पोरेट ऑफिस से कंट्रोल करते हैं। खर्चा कितना है सब मिला के? विजय 3 लाख। तो प्रॉब्लम यही है, क्योंकि आपका खर्चा कम है इसलिए आपका 10% मार्जिन दिख रहा है। ये मॉडल में आपका मार्जिन 2, 3, 4, 5% होने वाला। मुझे 3-4 चीज़ मैं देखता हूँ जनरली, आई कॉल इट 3 T's और 4 T's, आप जैसे भी देखना चाहें। एक तो टैम है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, मार्केट बड़ी है कि नहीं? मार्केट बहुत बड़ी, ये प्रूव हो गया है। टाइमिंग भी, एवरीबडी इज गोइंग बैक टू ऑर्गेनिक, टू अर्थी स्टफ, है ना, तो टाइमिंग भी ठीक है। लेकिन टीम जब मैं देख रहा हूँ, मुझे ये नहीं लग रहा है कि ब्रांडिंग आपकी स्ट्रेंथ है, और जब तक आप ब्रांड स्ट्रेंथ नहीं बना पाओगे आप मार्जिन नहीं बना पाओगे। तो आई एम वेरी सॉरी, लव व्हाट यू डूइंग, लेकिन आज मुझे आउट होना होगा। गुड लक। ओके सर। आई एम स्टिल देयर एंड माय चेक इज रेडी। इन्होंने आपको रीजंस बताए जो वीकनेसेस है, एंड मैं 100% इनसे अग्री करती हूँ। ये बिजनेस में और बहुत काम लगेगा, इसे इंडिया में स्केल करने और एक्सपोर्ट ड्रिवन बिजनेस करने, और वो टाइम मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो आप सोच लीजिए। मैम, फर्स्टली थैंक यू फॉर गिविंग अस द ऑफर। फर्स्टली बोला है, मतलब काउंटर आ रहा है। एंड वी हैव अ काउंटर ऑफर। टू बी ऑनेस्ट, वी रियली वांट यू, एंड 5% इज ओके मैम, वी आर रेडी टू टेक 5%, बट आई डोंट 2 करोड़, मतलब 2 करोड़ पे डबल नहीं, 65 लाख के बदले 2 करोड़। मैम 5% आपका कॉन्स्टेंट है, 65 लाख के ऊपर तो मैं जाऊंगी नहीं। पुराना वैल्यूएशन जो 40 करोड़ का वैल्यूएशन था, उस वैल्यूएशन पे भी वी आर रेडी, वी डोंट इवन वांट अ हाइक। लेकिन आप शार्क टैंक पे आए हो, आपको इतना बड़ा मंच मिला है जी, आपको कुछ तो गुंजाइश रखनी पड़ेगी ना मेरे भाई। मेरा चेक रेडी है, तो आप जरा बता दीजिए। आई थिंक 5 इन माई माइंड फॉर वॉट आई ब्रिंग इज अ फैंटास्टिक ऑफर। हम 2.5 to 3 इज स्टिल 4% पे क्लोज करते हैं ना, आपका ना मेरा, राइट इन द मिडल। 3% इज ऑल्सो 21 करोड़, इट्स स्टिल लेस देन द लास्ट राउंड। एनफ मैम, हाफ ऑफ द लास्ट राउंड, 3%। वी हैव अ डील। कांग्रेचुलेशंस। बहुत मुबारक हो। वेरी एक्साइटेड बिकॉज ये एक बिजनेस है जो आई एम पर्सनली वेरी पैशनेट अबाउट। दिस मींस अ लॉट। इट मींस अ लॉट टू मी टू, एंड यू आर डूइंग फैबुलस वर्क, एंड आई कांट वेट टू मेक दिस अ बिग पैन इंडिया एंड ग्लोबल ब्रांड, राइट? लवली।